दोनों पैमाने पे युद्ध हो गया, चाइना बॉर्डर से भी हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर, आप लोग रेडी रहिएगा लो, अगर युद्ध हुआ तो नीचे से किसको लगाएगा, लाने के लिए दे देगा, ये आर्मी का आईपीएल कहा जाता है उसको। युद्ध के बाद सबसे पहला आप, अगर देश को युद्ध हुआ, देश को जरूरत पड़ा युद्ध के बाद, तो जितने लोग आप में एनसीसी किए हैं, सी सर्टिफिकेट वाले हाथ उठाएंगे लोग, सी जो एनसीसी का किया, बी वाले, बी 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 और सी दोनों, एनसीसी बी और सी वाले, तो आप लोग रेडी रहिएगा लोग, किसके लिए, अगर युद्ध हुआ तो, समझ में गया, युद्ध के बाद सबसे पहला आप ही के पास आएगा, आपके अपने अपने बटालियन का, वो समझ में आएगा कि नहीं, हमारे पास भी आएगा तो हम तो पहले से बेचैन है, हम तो पहले से बेचैन, हमें बस तनी युद्ध का आसार लगेगा, अगले दिन नोटिस चिपक जाएगा, क्लास युद्ध के बाद होगा। हम तो पहले से बेचैन है, हमारा तो फौज में जाने का सपना ही था, तो हमको क्या है, हम तो आज, हम जो काल छोड़ो आज ही युद्ध हो जाए, हम यहाँ पे शाम वाला बैचों ने पढ़ाई के पड़े, हम शाम सुबह दोपहर निकल जाए यहाँ पे, पढ़ाने वढ़ाने में उतना, अब इंसान का जो दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। आदमी को जहाँ शौक होता है ना बचपन से, वही ठीक लगता है यहाँ पे, बचपन से बंदूक उठाने का शौक था, कलम उठा लिया आदमी, लेकिन इसमें आपसे काम कराया जा सकता है, संगा रहे कि नहीं आया। तो एनसीसी वाले लोग युद्ध के टाइम पे आप रेडी रहिएगा, बिना पैसा लिए एनसीसी वालों को हफ्ता में दो दिन आता था परेड सिखाने आते होंगे लोग, दो दिन स्कूल में परेड सिखाते होंगे उस दिन, और लंच के टाइम पे आपको समोसा वमोसा भी खिलाते होंगे अपने पैसा से आप लोग को, हम लोग के टाइम पे तो यही था, ड्रेस मिलता था, बूट मिलेगा एकदम बढ़िया, ड्रिल सिखाया जाएगा, फिर कैंप जाएंगे तो तीन टाइम खाना होगा फर्स्ट क्लास, वहां पे सारी सिस्टम, बंदूक उंदूक चलाना सिखाया जाएगा, तो अगर जरूरत पड़ा तो आपसे जबरदस्ती काम ले लेगा। अगर युद्ध में अच्छे खासे मान के चलिए हमारे सेना बिजी हो गई, दोनों पैमानों पे युद्ध हो गया, चाइना बॉर्डर से भी हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर पे तो सेना ज्यादा ही बिजी हो गई, तो नीचे से किसको लगाएगा, जबरदस्ती लगा देगा आप लोग से, हो सके तो पैसों में देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, ये दोनों चीज राष्ट्र हित में रोक देगा, जबरदस्ती काम करा सकता, किसी को दिक्कत, ऑनलाइन वाले जितने लोगों का एनसीसी है सब लोग को ले जाएगा। एनसीसी वाले को आर्मी से जोड़ना काफी कंपेरेटिवली इजी होता है, आर्मी का आईपीएल कहा जाता है उसको, जैसे आईपीएल के लिए फिर फाइनल में पहुंच जाता है ना इंडिया टीम में, उसी तरह एनसीसी में जाइए, सेना में जाना काफी इजी हो जाता है, हर एक चीज हो जाती है ना, सेना ही तो आके सिखाती है, परेड सिखा देती है, सीनियर जूनियर क्या होता है, कौन सा हथियार है, कितने कैलिबर का बुलेट है, कौन सी बंदूक है, मशीन गन है या राइफल है या पिस्टल है, क्या है, सारा चीज उसमें बता देता है, तो एक लेमैन के तुलना में ना इजी हो जाता है। अब नॉर्मल आदमी से कोई कहेगा, फौजी कहेगा कि हमें 7.62 mm का एमुनेशन चाहिए, पर अब पता नहीं चल रहा है 7.62 mm कौन है, 5.56 mm कौन चाहिए, नॉर्मल आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा, 9 mm क्या, वो खाली देगा और क्या बोलते हो 7.62 mm, वो कहेगा इंसास राइफल, SLR राइफल, LMG, AK-47 या फिर CMG, MMG, HMG, तो उसे पता नहीं चलेगा नॉर्मल आदमी, ऐसे जो उसमें किया रहेगा उसको तो पूरा सारा चीज पता रहेगा। हालांकि एनसीसी में मैक्सिमम बड़ा हथियार LMG देते हैं लोग, LMG एनसीसी में, LMG के आगे किसी को कुछ मिला है जी आप में किसी को, अरे फायरिंग के लिए LMG दे देगा, बाप रे बाप, LMG फायरिंग के लिए दे ही नहीं सकता, 0.22 राइफल देता है पुलिस वाला, फायरिंग के लिए वाला बंदूक देता है, खाप ऐसे लेके ऐसे किसी यहाँ पर LMG देगा, LMG बहुत खतरनाक हथियार होता है यहाँ पे, तुम लोग LMG को छोटा मोटा समझ रहे हो, लाइट मशीन गन LMG गन बहुत आई है, इतने चलाने के लिए दे देगा, ये खोलने के लिए देता है, पिस्टल बैरल बट बॉडी बाईपास बस, ये तो खोलने के लिए देता है, तुमको क्या लगता है इसका गोलिया ऊपर और चलने वाला इसमें पहना देगा, यहाँ पे मार देगा कोनो को तो 10-15 आदमी को छेद के निकल जाएगा, एक सेकंड में 16 गोली चला देते हैं सभी सब, क्या चाहते लोग यही दे देगा चलाने के लिए, ले बबुआ यहाँ पे कहीं घूम के नहीं चला दिए, वो कॉलेज साफ, तो समझ में आ गया।